सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो। अगर अभी बज रहे 7:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं पावगढ़ वडोदरा। सो दोस्तों, निकलने से पहले अभी झंडा लगा देते हैं, तिरंगा मतलब अपना। सो अभी झंडा लगा दिया, अभी निकलते हैं पावगढ़ के लिए। सो आप जैसे ही वडोदरा क्रॉस करोगे फिर आपको हालोल देखने मिल जाएगा, फिर आपको ऐसे बड़े बड़े माउंटेन भी देखने मिल जाएगा। दोस्तों अभी बज रहे 10:30 और हम लोग पहुंच गए पावागढ़। ये देखो हमारी गाड़ी आ गई है और आपको मैं इधर का व्यू बताता हूँ। और आप अगर इधर आते हो तो प्लीज़ इन बुद्धू जैसी हरकतें मत करना। एक लेन में ही गाड़ी रखना, बीच की लेन में मत डालना, क्योंकि सामने से बस और वो सब आती है, उनको बहुत दिक्कत होती है आने में। आप देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैफिक है वो। सो अभी हम लोगों ने कार पार्क कर दी है, एक जगह थी उधर ही पार्क करी है, पेन पार्क था। और आप सामने व्यू देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है टेम्पल, वो पूरा क्लाउड्स में कवर है वो। सो दोस्तों, हम लोगों ने ये कार ले लिया, उधर मिलती है 30 रुपये उसकी प्राइस है, ऊपर लेके जाएगी टेंपल को, टेंपल पर आपको। मैं हम लोग इसके लिए हमारी गाड़ी लेके नहीं आए क्योंकि हमको पुलिस वालों ने रोक दिया था कि इसके आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, जहाँ से मैंने आपको व्यू बताया था उधर से। और गाइस, हमको इधर ही रोक दिया है मंदिर के थोड़े ही आगे, मतलब इधर आगे बहुत ट्रैफिक है, इसके लिए प्राइवेट कार को ऊपर नहीं लाने देते। इधर की जो लोकल कार है जो ऊपर लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारी आपको मिल जाएगी, वही आप लेके जा सकते हो। और इधर का व्यू आप देख सकते हो। सो इधर दो रास्ते हैं, एक है आप देख सकते हो ये लोग चढ़ के ऊपर जा रहे हैं वो, और दूसरा रास्ता ये सीधा सीधा जाके बहुत लंबा पड़ जाता है इसके लिए। वो दोस्तों अभी मम्मी पापा तो उधर से चले गए, पीछे आप देख सकते हो चलने का इधर से। चलो देखते क्या होता है। सो दोस्तों, वो तो चढ़ लिया है पर पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, मैं घूम गया और इधर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अरे पापा हमको ढूंढो। हेलो बहन और दीदी। हम दूसरी बार ट्रैकिंग करते हुए हमारी फैमिली साथ, पहले अकेले करा था, अभी फैमिली साथ कर रहे हैं। और मम्मी को थोड़ा बहुत डर लग रहा है और पापा तो बिंदास से चढ़ गए। और आप देख सकते हो इधर ये पेड़ का एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस है। और सामने जो आपको येलो कलर का बोर्ड दिख रहा है वो होटल है। और इधर की सिर्फ भीड़ देखिए आप, और इधर सब बहुत सारे फूड स्टॉल भी हैं। और अब हम लोग ऊपर की तरफ रोप वे की तरफ चलते हुए, मेरे को लगता नहीं कि ये भीड़ देख के हमको रोप वे के अंदर जगह मिलेगी क्योंकि भीड़ ही इतनी है। और सामने आप देख सकते हो, मैं जूम आउट करता हूँ, मंदिर कितना प्यारा लग रहा है वो देखिए आप। सो रोपवे में तो 1-2 किलोमीटर लंबी जितनी लाइन थी, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्टेप्स लेके ही आगे चढ़ जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं वो, कितने स्टेप चढ़ पाते हैं वो। और अभी 2 मिनट ही हुई है, मतलब हम लोगों ने 100 जितनी सीढ़ी चढ़ रही है। और हम लोग ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग वापस जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग वापस आ गए, हम लोग सीढ़ी चढ़ के जा ही रहे थे पर इसको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर इसको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है। कहाँ गई? इसको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, इसके लिए हम लोग वापस जा रहे हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ उड़न पटोला मतलब रोपे की कितनी बड़ी लाइन है वो, ये आप देखिए कितनी लंबी लाइन है वो, एकदम लास्ट एंड तक लाइन है। अभी आप देख सकते हो कितने सारे बादल आ गए मंदिर में। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, आप देखिए सिर्फ वो बादल कैसे यूँ आ रहे हैं। सो अभी हम लोग वापस नीचे उतरते हुए, नीचे उतरने की भी टिकट सेम ही है, 30 रुपये ही है। अभी हम लोग वापस नीचे उतरते हैं, देखते हैं फिर। दोस्तों अभी मंदिर से तो नीचे उतर के अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने,
इधर गाड़ी की पार्किंग हमको अच्छी मिल गई, पर उन्होंने पैसे बहुत ज्यादा लिए, 100 रुपए लिए। मैं आपको बता दो पार्किंग कैसी है वो। मुझे ऐसी पार्किंग मिली और सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। तो दोस्तों मैं अकेला ही आया था गाड़ी लेने, क्योंकि पापा मम्मी उनको चलते हैं तो उनको सांस चढ़ रही है इसके लिए। और चलो तुम इधर ही रुक जाओ, इधर आके चौकड़ी पे ही रुके, बोला उधर ही रुक जाओ, मैं आता हूँ गाड़ी लेकर, बहन को भी उधर ही रुक दे, क्योंकि उसको भी सांस चढ़ रही है। सो अभी हम लोग मम्मी पापा को पिकअप करेंगे इधर से एंड फिर जाएंगे कहीं खाने। सो मैंने आपको जो पहले व्यू दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि मैं इधर आ गया हूँ, मतलब इधर मैंने जहाँ गाड़ी रोकी थी और आपको सबसे पहले दिखाया था, मैं इधर आ गया हूँ। और मुझको सही में वो ये जगह थी जो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि आप इधर का व्यू देखिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा व्यू कितना प्यारा लग रहा है। वो आप देख सकते हो इधर साइड में हेलीपैड है और सामने ही माउंटेन है, मतलब मंदिर है। हम लोग आ गए, ये पावागढ़ से थोड़े ही आगे है, ये हेलीपैड वाली जगह पर है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है वो। इधर एक नहीं दो हेलीपैड है, आप एक दूसरा उधर देख सकते हो, और सामने टेंपल है, और इधर प्यारा सा एकदम पता नहीं नदी है कि लेक है, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। मैं आपको पास जाकर बताता हूँ इसको। उधर पास में इसके लिए नहीं गया क्योंकि उधर बहुत ही कीचड़ था और मेरे वाइट शूज़ थे तो बहुत गंदे हो जाते, इसके लिए मैं गया ही नहीं उधर। पर दोस्तों आप सिर्फ इधर का व्यू ही देखिए, कितना प्यारा लग रहा है वो, और एक अलग सी सुकून शांति मिलती है इधर आके बैठ। और अभी हम लोग जा रहे हैं गलतेश्वर महादेव टेम्पल, और आप कैनाल का व्यू देख ही सकते हो। सो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए गलतेश्वर महादेव टेम्पल, और आप इधर का साइड व्यू देखिए सिर्फ, ये जो रोड पड़ रहा है उसके बाजू का व्यू मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है गलतेश्वर महादेव टेम्पल का व्यू, हर तरफ पानी ही पानी है। अभी बज रहा 3:35 और ये अभी भैंस गिर गई। और ये गलतेश्वर महादेव टेम्पल, और इसके आसपास आप देख सकते हो कितना प्यारा और ग्रीनरी व्यू है वो इधर क्या, और इधर बाजू में गार्डन भी है, मैं आपको बताता हूँ वो गार्डन पूरा। और मेरे को इधर नीचे जाना था, पर आप देख सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे साथ, हमेशा ऐसा ही होता रहता है, जब मैं कुछ चीज़ सोता हूँ तभी बारिश गिरने लग जाती है। सो दोस्तों अभी अहमदाबाद जाने का टाइम आ गया, अभी गलतेश्वर महादेव मंदिर को बाय बाय बोलते थे और अभी जाते हैं घर पे। और आप देख सकते हो इधर कितने सारे स्टोर है वो। सो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पावागढ़ जाना चाहते हो तो कभी कोई और डे पे जाना, जैसे कि हम लोग गए अभी छुट्टियों में, वैसे मत जाना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।